आज हम बनाएंगे सिर्फ एक चम्मच घी से कुकर में लौकी का हलवा। देख के आप कह ही नहीं सकती ये इतना टेस्टी हलवा कुकर में, वो भी एक चम्मच घी से बनाया है। तो मैंने लौकी को छील के धोकर अच्छे से कट कर लिया है, देख सकते हैं बीज बड़े नहीं थे तो मैंने नहीं निकाला है, मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं। अब हम इसे डाल देंगे कुकर में। तो कुकर में अभी ऐसे कुछ फ्राई वगैरह नहीं करना है ना, तो अभी इस टाइम घी डालेंगे, बस डायरेक्टली इस तरीके से कट करके हम कुकर में इसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, अगर दूध डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप दूध पानी किसी का भी एक ही चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लौकी उबल गया है, तो ये देख सकते हैं बढ़िया से। और अब हम इसे कढ़ाई में एक चम्मच घी लेंगे, सिर्फ एक ही चम्मच घी लेना है, मैंने बोला है तो मैं एक ही चम्मच घी लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा काजू कट करके रखा था, अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि लौकी के हलवे में ना जो फ्राई किया हुआ ये काजू बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, फ्राई किए हुए में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने अक्सर बनाया है तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप भी बनाएँ तो फ्राई कर लें ड्राई फ्रूट्स को। इसके बाद उसी घी में जितना भी बचा था हम उसमें लौकी डाल देंगे। अगर आप पानी डाल रहे हैं लौकी में तो आप पानी निकाल दें, अगर आप दूध डाल रहे हैं तो दूध सहित पूरा लौकी कढ़ाई में डाल दें। तो हम मैशर की हेल्प से लौकी को मैश कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे मलाई डाला है और थोड़ा सा दूध भी डाला है, तो ज़्यादा पतला हो गया है। अगर आपके पास मलाई ज़्यादा हो तो आप मलाई का ही यूज़ करें, दूध ना डालें। मेरे पास मलाई कम था तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे अब सुखाना ही पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो गया है दूध, तो अब हम इसे धीरे धीरे सुखा लेंगे मीडियम फ्लेम पे और चलाते रहेंगे, ढकेंगे नहीं क्योंकि बहने लगता है दूध। और इसे हम थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये लगभग क्वांटिटी इसकी कम हो गई है, देख सकते हैं पकते पकते कम भी हो गया है। अब हम इसे ऐसे लगातार फ्लेम हाई कर देंगे और इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, तो ये लगभग कम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, जितना भी आप मीठा पसंद करते हो, कम खाते हो कम डालें और ज़्यादा खाते हो तो मीडियम में डालें। इसके बाद हम इसे चलाते रहेंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो चीनी डालने के बाद क्या होता है ना, लौकी ट्रांसपेरेंट कलर की हो जाती है, तो ये और भी सुंदर दिखे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाला है ग्रीन वाला, ये लगे भी ना कि लौकी का हलवा है, उससे बहुत फीका फीका दिखने में लगता है, तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लास्ट में डालेंगे इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो फाइनली ये हमारा हलवा भी ठंडा हो गया है, फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऊपर से सजा देंगे और इसे अपने गेस्ट को सर्व करेंगे। वो तो देख के खुश हो जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुकर में बनाया सिर्फ एक चम्मच घी से। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।